इस्लामाबाद में मुनक्कदा कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान से वकला की नुमाइंदगी मौजूद थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदूर ने पनामा लीक्स पर अपना मौकफ बयान करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। अलमिया यह है कि मुलजिम खुद अपने खिलाफ तहकीकात के TORs बना रहा है। हुक्मरानों से तवक्का नहीं कि वो अपने आप को सजा दें। इनका मजीद कहना था कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, करप्शन का शिकार रहा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। कि बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम थे और ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए उन्होंने बहुत सारी जायदादें बनाई हुई थी जिसका डिक्लेरेशन नहीं की थी। एक नाम हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब का भी था। पहले कमीशन बने हैं, आज तक किसी कमीशन का नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला, इसलिए कौम मायूस है। अगर हम सब लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वकला पूरी जो है जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नविश्ता दीवार है कि ये करप्ट हुक्मरान जो हैं ये तख्तादार पर जाएंगे। मैंने देखा कि इस मुल्क में पनामा पेपर्स के से पहले जो है एक करप्शन के अंबार लगे हुए हैं जिसमें खरबों डॉलर की जो है करप्शन हुई है। मुल्क के इदारों को दिवालिया पहले बनाया जाता है, फिर उनको कौड़ियों के दाम जो है फरोख्त अपने रिश्तेदारों को कर दिया गया। प्रेसिडेंट की कावज से ये नुमाइंदा इजलास मुनक्कद हुआ और उसमें हम सब मिल के ये तय करेंगे कि आइंदा इसको हमने कैसे लेकर चलना है। हमारे जो हैं सियासतदान भी मुलव्वस हैं, हमारे बहुत से जो हैं ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और दूसरे जो हैं लोग मुलव्वस हैं। हमें इस वक्त अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। अल्लाह ताला ने एक मौका पहले भी दिया था, उसमें एक तहरीक चलाई, उसमें वो कामयाब हुए हम। ये भी एक ऐसा मौका है कि हम अपनी जो है कौम को रिप्रजेंट करें। जो एक आर्गन पड़ा हुआ है Article 209, उसको थोड़ा एक्टिव करो, जुडिशल कमीशन में कंप्लेंट पड़े, ये किस मर्ज की दवा है? डिस्ट्रिक्ट बार है, हमारे लीडर इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। और जिस तरह आर्मी एक्ट में है कि हर ट्रायल से पहले मैंने जो कोर्ट मार्शल किए हैं वहाँ पर सारे लोग इंक्लूडिंग जो स्टेनोग्राफर होता है वो भी ओथ लेता है, तो ऑन ओथ ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। जो काम शुरू किया सुप्रीम कोर्ट बार ने, अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेरा ख्याल है ये लॉयर कम्युनिटी की बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। इसको अब मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पहले भी जब इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन थी तो पहला सबसे पहले जुलूस हम ही लेकर आए थे। हर मामले में हम आपके साथ होंगे, बाकी हाल भरना वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने बार बार जिक्र किया है, हमें यही कहा गया था कि जी जिनको कार्ड भेजे हैं वो आए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर आप हमें हुक्म करेंगे तो हार क्या, बाहर भी 2000 कुर्सियाँ आपको लगानी पड़ेंगी। हमारे वकला हर मामले में आगे हैं, लेकिन ये चूँकि लॉयर का कन्वेंशन है, लीडरान का कन्वेंशन है, इसके सारे लीडर मौजूद हैं और मैं जो लोग तशरीफ लाए उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और ये प्रिंसिपली वी एग्रीड ऑन दिस पार्टिसिपेशन टुडे ताकि हम बताएं, मैसेज दें कि वकला में तफरका नहीं है, वी आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर। कन्वेंशन के मेज़बान सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद अली जफर ने कन्वेंशन से खताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पनामा लीक्स की मालूमात पाकिस्तान के लिए खुदा की नेमत हैं। उन्होंने करप्शन को दहशतगर्दी की बुनियाद करार देते हुए कहा कि ज़रूरत पेश आई तो करप्शन के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। उनका कहना था कि हमने अपने तौर पर तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार किए थे, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात मानने की बजाय अपने TORs बना लिए, जो कि इस बात का सबूत है कि हुकूमत पनामा लीक्स की तहकीकात कराने के लिए संजीदा नहीं। नहीं सर, हमने भी फ़िलहाल ये कहा है, आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कि TOR में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमने अपोजिशन और हुकूमत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने रख दी हैं, हम पेश अभी कर देंगे। हम कहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें, लेकिन कम से कम ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूर उनमें डालें। अगर उन्हें डाल दी तो मेरा ख्याल है कौम की बड़ी वो उनकी बहुत जो ड्यूटी है वो उन्होंने फुलफ़िल की होगी कौम के लिए, लेकिन अगर उन्हें नहीं किया तो फिर हम अपना फिर हम पहले तो आवाज़ उठाएंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तहरीक भी चलाएंगे उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमने ये हिस्टोरिकल मोमेंट जो है ये जो तारीखी एक मुकाम पे आ गई है जहाँ हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको आगे चला सकते हैं, हमने इसको ज़ाया नहीं होने देना।
کنونشن کے مہمان خصوصی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا کہ بلا تفریق احتساب بہت ضروری ہے، آف شور کے ساتھ ساتھ ان شور کمپنیز کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ایف آئی اے اور ایف بی آر وزیر اعظم کے ماتحت کام کرتی ہیں، اس لیے وہ تحقیقات کا حق نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ اور بار ایسوسی ایشنز کو تحقیقات کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امریکہ یا برطانیہ سے قانون درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پاکستان میں مکمل قانون موجود ہے۔ وکلا کی جانب سے پاناما لیکس کے موضوع پر کنونشن کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پاناما لیکس کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔